नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संगीता त्रिपाठी। पॉडकास्ट कविता विद संगीता में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूं जाने माने रचनाकार बसंत त्रिपाठी जी की लिखी हुई कविता। इनकी लिखी हुई रचनाएं अनेकों पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से छपती रहती हैं, जिन्हें पाठकों द्वारा काफी पसंद किया जाता है। तो चलिए सुनते हैं बसंत त्रिपाठी जी की लिखी हुई कविता, चलन से बाहर एक अठन्नी। अठन्नी मत कहो मुझे, मैं एक पैसे का 50 गुना हूं, रुपये का ठीक आधा। मैं हाल फिलहाल तक घूमती रही थी बाजार दर बाजार, कभी पसीने से भीगी पतलून की जेब में अन्य सहायकों के साथ खनखनाती, कभी स्त्रियां छोटे से बटुए में सहेज रखती मुझे अपने सीने के बिल्कुल पास। वह गमक, वह खनक, वह गर्म स्पर्श और धड़कन अब भी घुमड़ घुमड़ उठती है। हाथों हाथों से होते हुए मैं अंतिम बार तुम्हारे पास आई और तुम्हारी ही होकर रह गई। शेर की तरह के भूखे बाजार में मेरी हैसियत अब गौरैये के नाजुक कलेजे के बराबर मांस जितनी भी नहीं। मैं अब घर के धूल धूसरित डिब्बों दराजों और सिक्के संग्राहकों की आत्मा में रहती हूँ। मुझे अब कोई तलाशता नहीं, किसी और चीज की तलाश में अनायास मैं दिख पड़ती हूँ। कभी कभी कुछ संवेदनशील बेहद खाली और स्थगित लोग मुझे हथेली में लिए लिए अपनी स्मृतियों की खाई में उतर जाते हैं। बस वहीं मिलती है मुझे थोड़ी गर्मी। हालांकि मैं उदास भी हो जाती हूँ यह सोचते हुए कि यदि मेरा मुझ पर अधिकार होता तो न जाने कितने काम मैं और कर पाती। लेकिन अब तो मैं हर तरह के काम से चुकी हुई हूँ। तुम मत रखो मुझे अपने पास, हो सके तो मुझे सौंप दो उन खदानों को जिनसे निकाली गई धातु से मैं ढाली गई। मुझे चांदनी से भीगे आसमान में उछाल दो, मेरी उदास चमक सौंप दो दुधिया चांद को। मुझे चक्के की तरह चलने दो इस गोल पृथ्वी की सतह पर। हो सकता है कि इन व्यर्थ के कामों में ही निकल आए जीवन की कोई अचिन्ह सार्थकता।